अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये जी मैं कुकिंग कर रही थी बहुत टाइम बाद, यानी कि मुझे लगता है शादी के बाद ये दूसरी दफ़ा कुकिंग कर रही होंगी मम्मा के घर में। और अब मैं ज़्यादातर मम्मा के घर ही रहती हूँ क्योंकि हस्बैंड जब से गए हैं आउट ऑफ कंट्री तो मेरा दिल नहीं लगता घर में, और फिर मैं ज़्यादा टाइम मम्मा के घर ही गुजारती हूँ टाइम। तो यहाँ जी खाला आई हुई थी उम्रे से और मंथ बाद वो आई थी, तो ना हमें था वो डायरेक्ट यहीं आएंगी तो वो अपने घर चली गई, कहती मैं बहुत थक गई थी तो मैं ना नहीं आ सकी। तो बस फिर मम्मा कहती हैं बाहर से कुछ खाना वगैरह ले जाओ, मैंने कहा वो बाहर से ही एक महीना खा के आई हैं तो बंदे का दिल करता है ना अब घर का खाना खाऊं। तो बस फिर मैं खुद ही कुकिंग कर रही थी, मैंने कहा आप मुझे सामान मंगवा दें, और साथ साथ मैंने उनका किचन भी साफ़ कर दिया था थोड़ा बहुत, मैंने कहा चलो मम्मा खुश हो जाएंगी। तो मैंने आलू गोश्त बना लिया था सालन शोरबे वाला, और ये यखनी वाला पुलाव बना लिया था बड़ा मज़े का बना था। तो और साथ में पापा के दूध आता है वो भी बॉईल कर रही थी, मैंने कहा इनको सबको आज राज़ी कर दूं तो खैर राज़ी कोई नहीं होता होता। तो बस यहाँ पे जी ये कुकिंग करने के बाद मैं निकल आई थी, और आगे सिस्टर को लेना था वो उनके घर से, तो वहाँ से लेने के बाद जी हमने जाना था आगे उनके घर। और रास्ते से जब मैं निकल रही थी तो मम्मा ने कहा जी मेरी बहन के लेना, तुमने ये चीज़ें लेके जानी है जो उसको पसंद है। तो मैंने कहा फिर आप ख़ुद क्यों नहीं चल रही साथ, आप अपनी बहन को जो पसंद है ख़ुद लेके दे देंगे। थी नहीं वो खैर कहीं भी नहीं जाती होती मम्मा, तो फिर मैं उनके लिए ना उनको कुछ चीज़ें पसंद होती हैं बेकरी की तो वो लेके जा रही थी। पहले केक का और मिठाई का सोचा हुआ था, मैंने कहा नहीं बस ये ना फिर यही चीज़ें ले जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं ले रही थी मफिन से, ये जी हम पहुंच गए थे खाला के घर, और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, उनको बुखार हुआ हुआ था और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत डाउन थी, उनके पैर भी सूजे हुए थे। तो मुझे वो हो रहा था, मैंने कहा उनके आने से पहले ही हमें रेडी कर लेनी चाहिए थी चीज़ें, ऐसे उनको इतना वेट करना पड़ा। तो बस यहाँ पर मैं डिश आउट कर रही हूँ चीज़ें के खाने के लिए बैठे हैं, सब ने खाना खाना था तो ये चीज़ें इसलिए इस तरह हैं क्योंकि उनको ना ये चीज़ें पसंद हैं। तो ये चेक करें जी इतनी प्यारी सी वो ट्रे लेके आई हुई थी, और छोटी छोटी ग्लास थे उसमें आप जमजम था और खजूरें थी, खजूरें ऐसी थी जैसे चॉकलेट होती है ना वैसे, बहुत मज़े की खजूरें थी। तो ये देखें मुझे मैं तो ऐसी चीज़ें देख के इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना, ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं तो इसको लेके भागी हीरा के पास, मैंने कहा ये देखो। और ये जी बहुत प्यारी सी जाय नमाज लेके आई थी वो जावियार हमदान और मुस्तफ़ा के लिए, तो बहुत प्यारी जाय नमाज, मतलब मुझे था कि मेरे लिए आप इस तरह की क्यों नहीं लेके आई बड़ी बड़ी जाय नमाज ना। तो बस ये बहुत प्यारी जाय नमाज थी, ये चेक करें जी हमारी नमाज का टाइम हो गया है, बग़ैर नमाज के टाइम के हमने यहाँ पे नमाज अदा की है तीनों ने, ये ज़बरदस्ती हमसे नमाज अदा करवाई जा रही है तो यहाँ जी इनकी नमाज का टाइम हो गया था और भूख से बुरा हाल था सबका, पर क्योंकि मौलवी साहब नमाज़ पढ़ रहे थे तो हम भी बैठ गए थे इंतज़ार में कि जैसे ही नमाज अदा करेंगे तो हम खाना खाएंगे। तो खैर जी इनकी नमाज अदा हो गई थी और अब हमारे खाने का टाइम था, तो सबको खाना बहुत पसंद आया था। खाना मैंने ना बिल्कुल सिंपल सिंपल सा बनाया था, कोई मसाले ज़्यादा नहीं डाले थे क्योंकि वैसे भी खैर मैं मसाले बिल्कुल ही कम डालती हूँ, पर जैसे बंदा सफ़र से आया होता है ना, और मतलब आप समझ रहे होंगे कि बंदा बाहर का खा खा के ना अजीब जायकों का, तो उसको था घर का अब सादा खाना खाया जाए। और यहाँ मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई कि मैंने ये सब कुछ पहले ही निकाल दिया था, जबकि बच्चों को पहले खाना खिला लेते तो फिर निकालते चाय के टाइम पे, तो बच्चों ने तो खाना खाया ही नहीं, तो इसी कश्मकश में ही रह गए केक्स और कप केक्स के। बाकी ये फिर खाला खजूरें दे रही थी कि सब अपने अपने घरों के लिए डाल लो और निकाल लो, तो हम सब ये अपने अपने हिस्से से खुद ही ले रहे थे खजूरें।
तो बहुत मज़े की खजूर थी, बहुत ज़्यादा मज़े की खजूर। मतलब यहाँ की भी खाते हैं हम, पर वो जायका ही नहीं था जो उस खजूर का जायका था। बस जी, अब वापसी का टाइम हो गया था और अब हम निकल आए थे वापसी घर जाने के लिए। यहाँ से बहन ने अपने घर जाना था और मैंने मम्मा के घर। और ये आंटी मेरे लिए गाउन लेके आई थी, बहुत प्यारा गाउन था। और पहली दफ़ा किसी का गाउन लाया वो मुझे पसंद आया, मतलब जैसा मुझे चाहिए था ना सेम वैसा ही था, डिसेंट सा, ना कोई इतना काम, सिर्फ उसके बाजुओं पे ये थोड़े थोड़े से बीड्स लगे हुए थे। ये था आज का व्लॉग, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।